स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटे को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सीखेंगे अनारकली की सीखने की जो सीरीज है उसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीकों से और इजी तरीके से हम इसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइज देखिए, लंबाई 40, चेस्ट 34, वेस्ट 30 रखी है, बाजू 16 और बाजू की मोहरी 9 और घेरा 4 मीटर देख सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। ये कटिंग किया हुआ है, ये सबसे पहले हम दो को इस तरीके से जोड़ेंगे। ये कटिंग किया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर इसे देख सकते हैं। और ऊपर के आई वाले बटन में भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इससे रिलेटेड दो वीडियो बने हुए हैं, अगर आप वो दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये सीखने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए, दो दो करके हम इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। ये 16 कलियां हैं, सीधी कलियां, जिसे हम दो दो के हिसाब से जोड़ देंगे। ये देखिए, वीडियो को ज़्यादा हमने फॉरवर्ड नहीं किया है, इसलिए क्योंकि अगर फॉरवर्ड करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और बगल में बेल आइकन का निशान आएगा, उसे आप ज़रूर दबाएं, अगर वो आप नहीं दबाते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, ये देखिए, सीधी कलियां सब हम जोड़ देंगे। एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आप पूरा वीडियो देखें प्लीज़। ये देखिए, ये 7 हम जोड़ चुके हैं, यानी कि 14 कलियां हम जोड़ चुके हैं। ये देखिए, ये आखिरी, ये देखिए, ये हमने सभी को जोड़ लिया है, ये 16 कलियां हम जोड़ लिए हैं। अब इसे बस उसी तरीके से डबल कर देना है, ये देखिए, उसके अपोजिट लगा के और ये सिल दें। इस वीडियो का पार्ट 1 हम बना चुके हैं, ये उसका अगला पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है अनारकली सूट सिलने के लिए, इसे कलीदार भी बोला जाता है। ये देखिए, सभी को हम इसी तरीके से डबल जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये एक एक के 2 हो गए और 2-2 के 4, 4 के हमें 8 करने हैं। ये देखिए, इसमें मशीन की बहुत प्रॉब्लम होती है, धागा वगैरह सही नहीं चलता, तो वो आप अपने तरीके से सही कर सकते हैं।
ये देखिए सभी हमने जोड़ लिए हैं, ये चार चार हो गए। अब चार को हम आठ करेंगे, ये दस और दस बीस कलियों बनने वाला है, फ्रंट दस और बैक दस। ये देखिए ये आठ कलियां हो गई। ये बैक साइड यानी कि दो भी हो, फ्रंट बैक आठ आठ कलियां हमारे तैयार हो जाएंगी ऐसे। ये देखिए अब हमने जो साइड कलियां काट कर रखी थी चार, ये हम दोनों साइड जोड़ेंगे एक एक, फ्रंट में एक एक और बैक में एक एक, चारों इस तरीके से लग जाएंगे। ये देखिए ये देखिए ये दोनों साइड हम जोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये फ्रंट तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप, ये दस कलियां, ये नीचे का घेरा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये चार मीटर तैयार हो चुका है नीचे घेरा, और ये चेस्ट 34 का आधा 17 और वेस्ट कमर का आधा 15। ये देखिए इसमें दोनों साइड बाकी हैं, चलिए इसे ही पूरा करते हैं। ये देखिए ये भी तैयार होने लगा लगभग। ये देखिए एक वेलवेट है जिसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ गुलाब का, इसकी हम जैकेट चोली बनाने वाले हैं, और जैकेट सिर्फ फ्रंट में होगी। चलिए इसे डबल कर लेते हैं, और जो साइज हमारा है चेस्ट वेस्ट जो भी है उसके हिसाब से इसे काट लेंगे, और इसकी लंबाई हम 15 रखने वाले हैं। ये देखिए 15 पे, चलिए निशान लगाते हैं, हाफ हाफ इंच छोड़ देते हैं ऊपर नीचे, और ये शोल्डर 6 इंच, 6 दुना 12, और ये चेस्ट ये देखिए 17 का चौथा भाग 8.5, और एक्स्ट्रा, और ये 30 का चौथा भाग और एक्स्ट्रा। ये देखिए गला हम डीप लेने वाले हैं करीब 7-8 इंच, और यहाँ से इस तरीके से राउंड कर दें। ये देखिए ये गले की साइड है, ये गला हमारा जैकेट चोली में, ये देखिए ये कट चुका है, ये इस तरीके से रहेगा। ये देखिए आप
ये अस्तर है, इसे भी हम एक नॉर्मल की तरह हम काट लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसे उल्टी साइड से बैठा के उल्टी साइड से बैठा के इसे हम इस तरीके से सिल देंगे। ये देखिए, ये सिर्फ आगे की साइड सिलेंगे ताकि हम बाकी साइडों से पलट सके उसे। ये देखिए, ये अस्तर है और इस पे रख कर हम उल्टी साइड से इसे सिल देंगे। ये देख सकते हैं, किनारे किनारे आप इसे सिल दीजिए और फिर हम इसे सेप कर देंगे। ये देखिए नॉर्मल। और गोलाई पे आप इस तरीके से निशान लगा दें। ये देखिए, इसे पलट कर और इस पर हम सिलाई चला देंगे। तो वो हम तब चलाएंगे जब हम ब्लैक कलर का धागा लगाएंगे इस पर। ये देखिए, ये अस्तर है, कटी हुई थी फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था। अब इसका गला हम एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसे मटका भी कहा जाता है। ये बैक साइड का गला है, ये हमने 8 इंच लिया और यहाँ से इस तरह से राउंड करके और यहाँ पे ये गोल कर देंगे। ये देखिए, चलिए इसे काट देते हैं। ये देखिए, कट जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। चलिए एक कली का जॉइंट उठाते हैं। ये देखिए, ये सीधा साइड रखा हुआ है और ये हम इस तरीके से रख कर सिलेंगे। ये देखिए, और यहाँ से हम घूम जाएंगे। इस तरीके से हम घूमेंगे कि थोड़ा सा गैप वहाँ रहना चाहिए ताकि दोनों आपस में सटे नहीं और दोनों अलग अलग हो जाए। वहाँ पे एक हम हुक लगाने वाले हैं जो कि पहनने के बाद लगाया जाएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर करें दोस्तों, आपकी एक लाइक हमें बहुत ही शक्ति देता है। ये देखिए, चलिए अब इसे सेव कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने काटा, वहाँ पे दोनों जॉइंट अलग अलग होने चाहिए, यानी सिलाई और गैप होना चाहिए, तभी वो पलटेगा। ये देखिए, अब ये जो राउंड है, हर राउंड में अगर वो पलटना है तो आपको या तो बढ़िया से शेप करना होता है या फिर कटिंग करना होता है। ये देखिए, यहाँ पे हम इसे कैंची से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, दोनों साइड निकालेंगे बहुत आराम से।
ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये देखिए। चलिए इस पर एक सिला चला देते हैं। सिलाई चलाने के बाद ये बैक साइड का गला तैयार हो जाएगा और फिर हम ये देखिए ये तैयार हो गया बैक साइड का। चलिए इसे चिपका देते हैं अस्तर के साथ। चलिए दोनों साइड चिपका दिए हम इसे और इस साइड भी चिपका देते हैं। ये देखिए ये चिपक चुका है। शोल्डर को भी चिपका देते हैं। जितना आप चिपकाइएगा उतना आसानी होगा। ये देखिए बैक साइड का तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट की साइड बनाने जाएंगे। तो फ्रंट में हमें कुछ नहीं करना है, जैकेट डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। तो आप इसमें कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रंट हम ये नॉर्मल सा गोल करने वाले हैं और ये देखिए गोल हमने काट दिया। कोई सा भी साइज आप ले लीजिए, 5-6 डीप जितना रखना हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये देखिए नेट का टुकड़ा है जो हमने कली जोड़ी थी। अब इसको भी उसी तरीके से उल्टे साइड से हम इसे बैठा के बराबर में पलट देंगे। ये देखिए देख सकते हैं आप इसी तरीके से। चलिए इसे शेप कर देते हैं। ये देखिए ज़्यादा कपड़ा रहा तो इस तरह से कैंची मारना पड़ता है, ध्यान रहे कि सिलाई के पार ना हो। अगर धागा कटेगा तो फिर से आपको सिलाई चलानी पड़ेगी। ये देखिए एक सिलाई चला देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन के लिए आप कोई भी गला बना लीजिए, वी हो, गोल हो, चरकोल हो, आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए ये चिपका देने से बहुत ही आसान हो जाता है, कपड़ा अस्तर के साथ बैठा हो रहता है नेट। ये देखिए एकदम गोल। ये देखिए ब्लैक धागा लगाने के बाद हम इसे
इसे इस तरीके से सिल रहे हैं ताकि बैठ जाए। जब भी आप जैकेट नुमा बनाएं तो इसी तरीके का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही आसान है। किनारे पे आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, ये तो खैर हमने समझाने के लिए आपको मतलब जो है सिंपल सा बताया है अस्तर के साथ पलटने वाला। बाकी किनारे पाइपिंग लगा के पलटने से और भी खूबसूरत दिखता है ये। ये देखिए दोनों चोलियाँ हमारे तैयार हो गई, और इस तरीके से चार निशान लगा दीजिए ताकि हम यहाँ पे डोरी एक लगेगी जिसका लुप्पी कहते हैं उसे छोटा छोटा हम लगा सकते हैं। दोनों साइड हम निशान लगा दिए बराबर पे बहुत इजी तरीके से। अब किस तरीके से ये बैठेगा ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 17 की चेस्ट और ये 30 का कमर, ये देखिए ये इस तरीके से रहेगा। चलिए इसे भी स्टिच कर देते हैं। ये देखिए एक साइड हमने चिपका दिया, ये दूसरी साइड इस तरीके से हम चिपका देंगे। ये देखिए अब चलिए शोल्डर को जोड़ देते हैं। फ्रंट और बैक हमारा तैयार है। पलट कर एक सिला दे देने से ये बैठा रहेगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये तैयार लगभग हो चुका है, बस चेस्ट की साइज लेनी है। चलिए सेव कर देते हैं इसे। ये देखिए बराबर में आप सेव कर लें। ये है कपड़ा एक, इसे डबल किया हुआ है और इसका हम बाजू निकालेंगे। लंबाई हमारी 16 थी और बाजू मोहरी 9.5, उसी हिसाब से हम लोग काटेंगे इसे। ये देखिए ये 16 इंच, आधा इंच उधर आधा इंच इधर रखेंगे।
और ये 9, ये देखिए, बाजू कट चुका है। ये वेलवेट की पट्टियाँ निकालेंगे हम, और ये पट्टियाँ उस पर हम मोहरी पे लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने डबल फोल्ड कर दिया और ये हमारी बाजू की मोहरी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, वहाँ पे आप बीच पे निशान लगा के इसे आप इस तरीके से सिल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऊपर से एक सिलाई दे देने से आपका जो मार्जिंग है वो दिखेगा नहीं, तो उससे और भी खूबसूरत लगता है। अगर नहीं सिलाई दीजिएगा तो बाजू तो जालीदार है, इसलिए पूरा जॉइंट जो है वो दिखेगा। चलिए उसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेते हैं। ये देखिए, बीच में आप निशान लगा दें और यहाँ से इस तरीके से घुमा के इस तरीके से सिल दें। ये देखिए, उसी प्रकार से सिलाई चला दीजिए इसमें। ये देखिए, सब मिला लीजिए आप, और बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे फिटिंग दबाना है। ये देखिए, चेस्ट 28, वेस्ट 28, और ये चेस्ट हमारी 34 की, वेस्ट 28 की, ये हमारी तैयार होने जा रही है। ये देखिए, अब यहाँ पे पूरी कलाकारी है। आपको यहाँ पे सिलाई मार के और अस्तर को अलग करके हमें सिर्फ नेट को सीना है। ये देखिए, अस्तर छोड़कर हमें सिर्फ नेट को सीना है। ये देखिए, और फिर दोबारा से हम इसे फिर नेट को छोड़कर अस्तर को सिलेंगे। ये देखिए, चलिए बाजू से हम इसे ले लेते हैं एक ही बार, और हमारे साइड में भी डबल सिलाई हो जाएगी।
के देखें। अब यहाँ पे नेट को छोड़ देंगे हम और अस्तर को सिल देंगे। ये देखिए वन साइडेड हो गया। चलिए सेव कर देते हैं इसे। ये देखिए अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे। ये देखिए अगर एक साइड समझ में नहीं आया तो दूसरी साइड आप देख के समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे फिर वैसे ही करेंगे। नेट को हम सिलेंगे और अस्तर को छोड़ देंगे यहाँ से। ये देखिए ये देखिए उसी तरीके से सेम टू सेम। अब यहाँ पे एक काम हमें करना है, हमें बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पर कुछ ही दूरी तक सिएंगे और थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ से हम छोड़ देंगे इसे, हम यहाँ से बॉर्डर को शुरू करेंगे। ये देखिए फिर हम 9 इंच यहाँ से लेंगे। ये देखिए उसी तरीके से फिर नेट को छोड़ के अस्तर को सिलेंगे। ये देखिए चलिए इसे सेव कर देते हैं। फिर इसे हम मोड़ देंगे, ये बराबर में है, जब मोड़ेंगे तो छोटा हो जाएगा और हमें इसे नेट से छोटा ही रखना है 1-2 इंच, ताकि ये बाहर भी नहीं दिखे और बॉर्डर से ऊपर भी ना जाए, क्योंकि हमें दोनों में ही घाटा है। बॉर्डर से ऊपर होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, वो अस्तर छोटा दिखेगा और नेट से तो बाहर आना ही नहीं चाहिए, कोई सवाल ही नहीं है। चलिए इसे फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए 1 इंच के दबाव पे हम फोल्ड कर देते हैं इसे। वीडियो को हमने इस सब चीज़ में भी फॉरवर्ड नहीं किया है, हमने बहुत लंबा वीडियो बनाया है, फॉरवर्ड किया हल्का लेकिन ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं किया है। फॉरवर्ड करने से 2-4 दोस्तों के कमेंट आते हैं कि उन्हें थोड़ा स्लो चाहिए। मेरे बहुत से वीडियो में फॉरवर्ड किया हुआ है, लंबे ना होने की वजह से हमने वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ था, लेकिन अब हमने सोचा कि फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप उसे फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं। दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक कर दें, एक बार लाइक ज़रूर करें। ये देखिए ये आगे की साइड की डोरी लगने वाली है और ये वेब काटे तिरछी काटे, ताकि
आसानी से पलट सके ये, और ये जल्दी भी होती है और आसानी भी रहती है और खूबसूरत भी दिखती है। तीन फायदे हैं इससे। ये देखिए बहुत ही पतली तरीके से सीधे से, इसे हम साइकिल के स्पोक से पलटेंगे और इसे सुई धागे से पलटा जाता है, उससे और बारीक होती है। ये देखिए इस साइकिल के स्पोक से पलट रहा है। चलिए एक पलट चुका है, अब दूसरा। ये देखिए इसे हम 8 पीस कर लेते हैं। ये डेढ़ डेढ़ दो दो इंच की है, ये दोनों साइड चार चार पीस चाहिए हमें। ये देखिए ये जो जैकेट है उस पर हमने लगाया है। ये देखिए चारों हम लगा रहे हैं। ये देखिए अब दूसरी साइड चारों लगने वाला है। ये देखिए ये दोनों साइड चार चार लग चुके हैं 8। अब ये डोरी को हम इस तरीके से जिस तरह जूते में लेस लगाया जाता है उसी तरीके से हम इसमें लगाएंगे क्रिस क्रॉस। ये क्रिस क्रॉस डिजाइन से लगेगा। ये देखिए देखिए इस तरीके से क्रिस क्रॉस लग चुका है और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। ये देखिए इस पर अब चलिए वेलवेट का एक टुकड़ा लेते हैं और ये स्क्वायर काट के और हम इस पर फ्लावर लगा देंगे। ये देखिए इसे हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आपके आँखों के सामने ये तैयार हो चुका है। ये देखिए ये बैक साइड में हुक लग जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। ये देखिए चलिए अब नीचे का काम करते हैं। वो जॉइंट हमने कहाँ रखा था, यहाँ। ये देखिए एक साइड खुला है। अब ये उल्टी साइड से हम लगाना चालू करेंगे इस बॉर्डर को।
ये 4-5 इंच चौड़ा है लगभग। चलिए इसे हम इस तरीके से सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। दोस्तों मेरी तरफ से एक बार और रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है, मेरे आइडियाज़ अगर अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए ये पूरा 4 मीटर घेरा है। पहली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई थी, अगर कोई 4 मीटर बोले तो कैसे निकालना है और कोई 5 मीटर बोले तो भी कैसे निकालना है। इस सूट से रिलेटेड 2 वीडियो में एंड स्क्रीन में देने वाला हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा कि कैसे बनता है और कैसे कटता है। दोनों वीडियो ज़रूर देखें। ये देखिए पलट कर हम इसे सिलाई कर देंगे। ये देखिए ये भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। वो दोनों वीडियो आप प्लीज़ देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए अब इस दोनों जॉइंट को आप बंद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये देखिए ये बंद हो गया। चलिए हमारा ये सूट पूरी कंप्लीटली तैयार हो चुका है। ये देखिए जैकेट नुमा ये सूट है, बहुत ही खूबसूरत आसानी से। और इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे एंड स्क्रीन, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक तो इसके पार्ट 1 है और दूसरा इसको कटिंग को समझने के लिए, ये किस तरीके से काटा जाता है ये आप देख के समझ सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।